नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकान बस ईंटों से खड़ी दीवार नहीं है, बल्कि एक एहसास भी है। और यह एहसास ज्यादा खास तब हो जाता है तब वो मकान सपनों के शहर मुंबई में हो। उस मकान और उपभोक्ता को संरक्षित करने वाला मजबूत कानून रेरा जब से आया है, तब से उपभोक्ताओं में धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आई है। जी हाँ, रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2017 रेरा के 4 साल बाद ICI की विंग WIRC की पहल और हाउसिंग ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध CA रमेश प्रभु के संपादन में सभी के हितों में ध्यान में रखकर 1600 पेजों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लॉन्च की गई है। इस किताब की बड़ी चर्चा है दोस्तों, महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस, और 100 लोगों की टीम ने मिलकर इसे बनाया है। और तमाम जो रियल एस्टेट में जो एक्सपर्ट हैं वो लोग शामिल हैं, और हमारे स्टूडियो में इसीलिए हमने इस पुस्तक के जो संपादक है और हाउसिंग ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध रमेश प्रभु जी को इन्वाइट किया है। रमेश प्रभु जी, आपका खूब खूब स्वागत है। ये जो पुस्तक आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा भी चल रही है रियल स्टेट में महारेरा और दूसरी स्टेट जो है गुजरात रेरा, तमाम दूसरी स्टेट तैयारी कर रही है इस तरह की मैन्युअल, इस तरह की पुस्तक बनाने की, और किस तरह से इसकी प्रेरणा मिली, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या खासियत है इसकी? देखिये, महाराष्ट्र में महारेरा, महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन के लगभग 4 साल, मई 2017 से जब से रेरा आया है तो महाराष्ट्र पूरी तरह से अच्छे तरह से काम कर रही है। और इसका जो गुणगान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अन्य राज्य भी देख रही है। तो हमने सोचा कि ये जो तजुर्बा है, जो गए 4 साल का जो तजुर्बा है रेरा का, खास करके गौतम चटर्जी जो इसका अध्यक्ष थे, इन्होंने इसको अलग अलग सर्कुलर या नोटिफिकेशन लाके हर मुद्दे कर हर सेक्शन के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने का कोशिश की। देखिए, 4 साल में लगभग 30,000 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रजिस्टर हुआ। ये 30,000 प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके अंदर अलग अलग किस्म के इश्यूज आए। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, प्रोजेक्ट ओल्ड प्रोजेक्ट या जिसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको कैसा रजिस्ट्रेशन कराना, नया प्रोजेक्ट को कैसा रजिस्ट्रेशन करना, फिर जो हमारा जो वेरियस प्रोफेशनल्स है जैसे कि आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ये रेरा में जो जमा हुआ पूंजी उसको विड्रॉल करने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट किस तरह से किया जाए, मतलब हर एक्टिविटी को लेकर एक कायदा है जिसको हम बोलते हैं कलर, उसके बाद नियमावली है जिसको हम बोलते हैं रूल्स, उसके बाद रेगुलेशंस जो महाराष्ट्र के लिए खास रेगुलेशन है, उसके बाद उसको संबंधित सर्कुलर, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसके बाद जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करना पड़ता है उसके लिए क्या 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 तैयारी, जिसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, उसके बाद अच्छा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, ये पूरी का पूरी जानकारी हर एक एक्टिविटी को लेकर हमने इसमें कैप्चर करने का कोशिश किया। और ये किताब का जो खासियत ये है, 105 लोगों का जो एक्सपर्ट्स जो रियल एस्टेट में काम करते हुए लोगों को हमने इसमें शामिल किया। मैं उदाहरण के तौर में लूंगा कि जो गौतम चटर्जी जो पहला जो महारेरा का अध्यक्ष है, जो अपना सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में भी मेंबर है और जिन्होंने एक अलग तरीके का भूमिका लिया है, उनको हमने एक मार्गदर्शक का रूप में, एक मेंटर के रूप में हमने इनको शामिल किया। उसके बाद महारेरा का जो एप्लेट ट्रिब्यूनल में आज ऐसे संधु साहब जो एक बहुत अच्छा क्रांतिकारक निर्णय भी दे रहे हैं, और वैसे वक्ता को हमने इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद मिस्टर सुमंत कोले जो जुडिशियल मेंबर है जो महारेरा एप्लेट ट्रिब्यूनल का, उनको भी हम ये रेरा का जो स्टडी ग्रुप है, हमारा जो महारेरा का स्टडी ग्रुप है उसमें शामिल किया। उसके बाद लगभग 25-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रेरा का सर्टिफिकेट करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसी तरह से जो फैकल्टीज जो रेरा का काम करते हैं, फिर आर्किटेक्ट इंजीनियर जो पीएट प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स आर्किटेक्ट कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है समीर हिंगू, वो भी इसमें शामिल है। फिर हम लेते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में एक अलग दर का जो प्रमोटर के लिए, जो बिल्डर के लिए संस्था स्थापन किया जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे 6 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 4 महत्वपूर्ण सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इसमें शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल, पहला आते हैं नेरेडको का जो प्रतिनिधि करने वाला महाराष्ट्र का जो मिस्टर राजन बांदेलकर है, उनको हमने लिया चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र का नेरेडको। उसी के अंतर्गत फिर क्रेडाई MCH है, जो क्रेडाई आपको पता है कॉन्फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो इसका जो
महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री एमसीएचए क्रेडा है, जो उसका महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष है मिस्टर दीपक गरोड़िया, उनको हमने शामिल किया। फिर बोमन हिरानी जो एक इलेक्ट प्रेसिडेंट है क्रेडा एमसीएचए का। उसके बाद हम जाते हैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जो रेरा का हाउसिंग का जो चेयरमैन है कमिटी का डॉक्टर आनंद गुप्ता, वो भी शामिल है। उसके बाद मुंबई डेवलपर्स एसोसिएशन, जो एक बहुत नामचीन संस्था है जो सेपरेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, जिसका वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हरी जैन, उसको हमने शामिल किया। उसके बाद सॉलिसिटर, फिर हमें महाराष्ट्र में आपको पता है एक महारेरा जो प्रैक्टिसिंग जो एडवोकेट्स जो महारेरा बार एसोसिएशन ऑफ महारेरा एंड महारीट, उसका जो अध्यक्ष है एडवोकेट हर्षद भड़बड़े, सेक्रेटरी मिस्टर अनिल डिसोजा, ऐसे लोगों को हमने शामिल किया। उसके बाद हम आते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो भारत का एक नेशनल बॉडी है, उसका जो कन्वीनर है मिस्टर कर्नल त्यागी, तो उनको हमने शामिल किया। इसी तरह से अलॉट इस ध्येय रखने वाला, तो अभी हमें चाहिए तो अलॉट का ध्येय रखने वाला, जैसे मुंबई ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है एडवोकेट शिरीष देशपांडे और डॉक्टर अर्चना सबनीस और मिस शर्मिला, तो ऐसे रनाडे जो मुंबई ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि करने वाले जो आरेरा का जो कंसिलेशन फोरम में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, इन लोगों को हमने शामिल कर दिया। उसके बाद एक बार सोसाइटी बन जाती है तो हमें हाउसिंग सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले भी लोग चाहिए, इसके लिए हमने इसमें इसको शामिल कर लिया। जैसे कि महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन का अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन का जो सेक्रेटरी डॉक्टर डी एस वहीद, और ऐसे जो अनुभवी व्यक्ति है उनको हम इस स्टडी ग्रुप में शामिल किए। और ये स्टडी ग्रुप जो है आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हफ्ते में दो बार हम 5 से लेकर 7 बजे तक जूम में मिलते थे। हमारा जो लॉकडाउन में पूरी तरह से हर एक चैप्टर को लेकर हमने इसकी वो विश्लेषण किया, उसमें क्या मुद्दा आना चाहिए वो सब देख लिया, और उस हिसाब से ये जो किताब है इसको लॉ जो कायदा क्या हुआ, उसके बाद प्रोसीजर एस्पेक्ट में रूल्स क्या हुआ, फिर एसओपी क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, ये पूरे की पूरी चीज हमने इसको शामिल किया। मैं यही बताऊंगा हमारा 5 साल का जो रेरा को लेकर जो तजुर्बा है, जो एक्सपर्ट लोगों का तजुर्बा है वो इसमें होता है। प्रभु सर, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट से जुड़े वो लोग तो, और जो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना चाहते वो क्यों खरीदे? तो ये बुक मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी होगा, सब स्टेक होल्डर को उपयोगी होगा, प्रमोटर के लिए, अलॉटिस के लिए और एस्टेट एजेंट्स के लिए, और उसके अलावा सब प्रोफेशनल के लिए, स्टेक होल्डर के अथॉरिटी के लिए, या जो भी रेरा के बारे में जानकारी रखना चाहता है उनके लिए ये किताब एक बहुत महत्वपूर्ण एक रेफरेंस होगा, एक गाइड होगा, पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण किताब साबित होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, महत्वपूर्ण वीडियो को आप महासेवा न्यूज के वेबिनार्स और महासेवा न्यूज के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो महासेवा के ऑडियंस है रेगुलर वो, और जो हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के चाहने वाले तमाम लोग, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप हमारे जो महासेवा के नंबर से उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आज मुझे यानी सुधीर शर्मा को और मेरी पूरी टीम को प्रभु सर के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।